अजमेर भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा की ओर से राजस्थान सरकार की जनविरोधी नीतियों, बिजली दरों में बढ़ोतरी और राजस्थान में बढ़ते अपराध को लेकर डाक बंगले से कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया और जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश भड़ाना ने बताया कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार को आए हुए 2.5 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अब तक जनता को किए वादे पूरे नहीं हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्थान में कानून व्यवस्था बदहाल है और लगातार महिला अपराधों के मामले भी सामने आ रहे हैं। वहीं उन्होंने बिजली दरों में बढ़ोतरी के मुद्दों को भी सामने रखा और इन सभी मुद्दों को लेकर आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के निर्देशन पर प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान अजमेर दक्षिण से विधायक अनीता बधेल, शहर जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाड़ा सहित भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिस प्रकार पिछले 2.5 वर्ष पहले राजस्थान की जनता को गुमराह करके कांग्रेस पार्टी ने जनता से वोट तो ले लिए और जिस प्रकार के वादे किए कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे, उसके उलट पिछले 2.5 सालों में राजस्थान सरकार केवल होटलों में बैठकर सत्ता के संघर्ष में डूबी हुई है कि पावर सेंटर किसके पास हो, शह मात का खेल चल रहा है और जनता को उसके हाल पर छोड़ रखा है। पिछले 2.5 सालों में जनता किसान कर्जे माफी के इंतजार में बैठा हुआ है, युवा बेरोजगारी भत्ते के इंतजार में बैठा हुआ है और पढ़ा लिखा युवा रोजगार के इंतजार में बैठा है, लेकिन राजस्थान में दलितों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, महिलाएं इस राजस्थान में आज की तारीख में कानून व्यवस्था की नाम की कोई चीज़ नहीं रही। हमने आज भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के नेतृत्व में आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संदीप पुनिया जी के निर्देशानुसार पूरे राजस्थान में ओबीसी मोर्चा द्वारा ज्ञापन देकर माननीय राज्यपाल से आग्रह किया कि राजस्थान में शासन नाम की कोई चीज़ नहीं है, माननीय राज्यपाल महोदय संज्ञान लें। और हमारा इस मौके पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से भी आग्रह है कि आदरणीय गहलोत साहब, जनता ने आपको सेवा करने के लिए चुना था, ना कि होटलों और अपने घरों में बैठकर आराम करने के लिए चुना था। घरों से बाहर निकले, जनता दुखी है, जनता त्रस्त है। बिजली कंपनियां आए दिन मनमानी ढंग से लोगों से बिजली के बिलों के नाम पर वसूली कर रही है। नरेगा में जो मजदूरी किसानों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। आज राजस्थान के अंदर भगवान तो मेहरबान है लेकिन राज मेहरबान नहीं है। हम गहलोत साहब से एक बार पुनः आग्रह करेंगे कि राजस्थान की जनता त्रस्त है, सड़कों पर उतरी हुई है, आप उनकी तरफ ध्यान दें, जनता की सेवा करें, नहीं तो ये गूंगी बहरी सरकार को राजस्थान की जनता जगाना जानती है। खबर की हो सत्यता हो या खबर की अनकहीं दास्तां, होगी सच्चाई की वापसी। SKV न्यूज़, सच्चाई की वापसी।